दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार फ्री राशन चीनी मिट्टी का तेल मुफ्त में देने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी तक सुना होगा कि सरकार के द्वारा फ्री राशन दिया जा रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में और एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, मिट्टी का तेल। चीनी मिलने का बात मैंने इससे पहले के वीडियो में बना रखा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यूपी सरकार का एक लेटेस्ट न्यूज़ आया हुआ जिसके तहत सभी व्यक्तियों को फ्री राशन चीनी मिट्टी का तेल मुफ्त में मिलने वाला है। मुफ्त का मतलब है कि काफ़ी कम दामों पे मिलने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार के द्वारा फ्री राशन दिया जा रहा है, इस वैश्विक महामारी के दौरान सरकार को और भी चीज़ों को मुफ्त में कर देना चाहिए। सरकार को आवश्यक चीज़ों को मुफ्त में कर देना चाहिए क्योंकि एक खास समूह इस लॉकडाउन के चलते विकट परिस्थितियों से जूझ रहा है। जी हाँ दोस्तों, विकट परिस्थितियों से जूझ रहा है। इस दौरान सरकार ने फ्री राशन के साथ 18 रुपए प्रति किलो चीनी तथा 3 रुपए प्रति लीटर मिट्टी का तेल देने का वादा किया है, मिट्टी का तेल देने का फैसला लिया है। दोस्तों इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फ्री राशन मिलेगा और चीनी का रेट 18 रुपए किलो के हिसाब से कितनी चीनी आपको मिलेगी और कितने लीटर आप किरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में आपको खास जानकारी लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सारे फैसले लिए हुए हैं इस लॉकडाउन के चलते, जिसमें हमारा निम्न वर्ग, जिसमें हमारा जो दिहाड़ी मजदूर हैं, डेली वेजेस वाले मजदूर हैं, वो अपने जीवन को चला सके, वो अपने आजीविका को चला सके। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको डिटेल करने वाला। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, सरकार के द्वारा जितने भी अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं उनको 20 किलो गेहूँ और 15 किलो चावल मुफ्त में दिया जा रहा है। दोस्तों ये स्कीम जो है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा एक साथ चलाई जा रही है। वहीं पे दोस्तों अगर आप पात्र गृहस्थी हैं तो आपको 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे किसी अंत्योदय राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पात्र गृहस्थी हैं तो आपको 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको अंत्योदय राशन कार्ड के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं जानकारी निकाल के आपको अंत्योदय राशन कार्ड के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। दोस्तों पात्र गृहस्थी के द्वारा आपके जनपद स्तरीय जिला समिति तय करती है कि आप राशन पाने के इच्छुक हैं कि नहीं, आप राशन के लिए वैलिड हैं कि नहीं, आपको मुफ्त राशन दिया जाता है या फिर नहीं। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, इन सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो के अंत तक डिटेल में डिस्कस करूंगा। जी हाँ दोस्तों, एक और निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो भी मैं जानकारी साझा कर रहा हूँ ये सारी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा उन्हीं के पोर्टल से, उन्हीं के शासनादेश के द्वारा एकत्रित की गई जानकारी है। तो दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा भारत सरकार जून जुलाई अगस्त इन तीनों महीनों में 2 बार फ्री राशन देने का प्रावधान किया हुआ है। उसी के साथ दोस्तों जून महीने में जैसे कि 2 बार राशन मिल चुका है, एक बार राज्य सरकार के द्वारा और एक बार केंद्र सरकार के द्वारा। तो दोस्तों अगर आप लोग को राशन नहीं मिला है तो अगर आप लोगों को इसकी शिकायत करनी है तो आप अपने ब्लॉक स्तर पर जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। हालाँकि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि चीनी पर पोर्टेबिलिटी सुविधा लागू नहीं होगी। दोस्तों अभी भी ज़्यादातर लोगों का कमेंट आ रहा है सर पोर्टेबिलिटी क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पोर्टेबिलिटी होता है वो ये होता है कि मान लीजिए आप किसी ग्राम सभा में रहते हैं और वहाँ के कोटेदार फिक्स है, मतलब वहाँ के जरूर कोटेदार होंगे, उस कोटेदार से आप फ्री में राशन तो ले सकते हैं। वहाँ आपका पंजीयन होगा, वहाँ आपका अटेंडेंस लगेगा कि हाँ इस व्यक्ति को राशन मिल चुका है। लेकिन अगर आप चीनी लेना चाहें चीनी भी आपको वहाँ मिल जाएगा, लेकिन अगर आप राशन किसी और कोटेदार के यहाँ से लेना चाहते तो वहाँ भी आपका पंजीयन होगा, अटेंडेंस लगेगा कि इस ग्राम सभा के इस व्यक्ति ने यहाँ से राशन लिया है। लेकिन चीनी आप वहाँ से नहीं ले सकते, चीनी आप अपने खुद के कोटेदार के यहाँ से ही ले सकते हैं। इस सुविधा सरकार ने इसलिए की है क्योंकि चीनी को अगर आप मार्केट रेट पर देखते हैं तो 40 रुपये से 45 रुपये की केजी के बीच आपको मार्केट में मिल रहा है, लेकिन सरकार वहीं आपको बेहद कम दाम में यानी 18 रुपये प्रति
किलो चीनी आपको दे रही है, और इसीलिए प्रति एक परिवार में 3 किलो चीनी सिर्फ दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 3 किलो चीनी सिर्फ दिया जा रहा है। तो दोस्तों एक खास पेशकश है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा, ताकि जो भी लोग आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं, उन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उनको मुफ्त में काफ़ी बेहद कम दामों पर पहुँचाई जा सके। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बस मैं इतना बताने वाला था कि आप लोगों को, अगर आप लोगों को राशन नहीं मिल रहा है तो आप लोग शिकायत कहाँ कर सकते हैं, और कितना आपको चीनी और ऊपर से 3 रुपये प्रति लीटर मिट्टी का तेल ऐड किया गया है। मिट्टी का तेल जो है आप 4 से 5 लीटर अधिकतम ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया, हालांकि अभी कोई शासनादेश जारी नहीं किया मिट्टी के तेल को लेकर। अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि 3 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिट्टी का तेल दिया जाएगा और इसकी पूर्ति सभी लोगों तक की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इसकी पूर्ति सभी लोगों तक की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मिट्टी के तेल की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग कमेंट सेक्शन में आ गए हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ कमेंट्स लेके बताता हूँ, कुछ कमेंट्स के जवाब लाइव आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं वीडियो बनाया था उत्तर प्रदेश सरकार लेटेस्ट न्यूज़, उत्तर प्रदेश में नवंबर तक मुफ्त राशन, दोस्तों इस वीडियो पे कई लोग कमेंट किए हैं, इस कमेंट को मैं देखता हूं। तो वीडियो दोस्तों ये थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तभी जाके इस वीडियो को ज़रूर देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार लेटेस्ट न्यूज़, उत्तर प्रदेश में नवंबर तक मुफ्त राशन, 6 महीने फ्री राशन, 1000 रुपये भत्ता 6 महीने। दोस्तों इस वीडियो की के डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दे रखी है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और बाकी की चीज़ें जो हैं, जैसे कि किस तरीके से सरकार मुफ्त में राशन देने वाली है और किस योजना के तहत देने वाली, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए मैंने जो ये वीडियो बनाया, इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से सरकार आप लोगों को मुफ्त में राशन देने वाली है। और मुफ्त में राशन के साथ साथ 18 रुपये प्रति किलो चीनी, 3 किलो चीनी प्रति अंत्योदय कार्ड, और प्लस 3 रुपये लीटर किरोसिन ऑयल, यानी 3 रुपये लीटर मिट्टी का तेल। दोस्तों गांव घर में मिट्टी के तेल का उपयोग बहुत होता है, सरकार बीच में बंद कर दी थी, लेकिन इस समय ज़्यादातर ज़रूरतें पड़ने पर सरकार फिर से इसको लॉन्च कर दी है, सरकार फिर से इसको चालू कर दी है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों इस वीडियो को आप लोग देखें, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग इस वीडियो को जाके देखिए। और दोस्तों मैं कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ, जैसे कि कमेंट्स किया है इन्होंने, लल्ला सिंह जी ने कमेंट किया हुआ है। लल्ला सिंह जी कहते हैं कि पात्र गृहस्थी वाले को क्यों नहीं मिलनी चाहिए, इन्हें भी मिलना चाहिए। लल्ला सिंह जी, आपको मैं बता देना चाहता हूं सर कि जितने भी पात्र गृहस्थी हैं, इसके लिए सरकार जो है जनपद समितियां तय करती हैं कि कौन पात्र गृहस्थी हैं। जनपद समितियाँ तय करके DM ऑफिस में भेजती हैं और वहाँ से सरकार के पास ये लिस्ट भेजी जाती है। तो दोस्तों जो अंत्योदय राशन कार्ड है, ये सारी चीज़ें सरकार के द्वारा बनाई गई है और सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत उनका एक अपना अलग स्टैंडर्ड है, वेरिफिकेशन करने का तरीका है, उस पर जो पैमाने पर सटीक बैठते हैं उन्हीं को अंत्योदय राशन कार्ड दिया जाता है। और पात्र गृहस्थियों को अंत्योदय राशन कार्ड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कुछ ऐसे पैमाने हैं जिसके तहत वो फिट नहीं बैठते हैं। अगला देखते हैं छाया संजय टोंग जी का, इनका कमेंट है कि 5 नहीं 4 KG ही मिलता है पर सदस्य। देखिए छाया जी आप किस चीज़ की बात करते हैं, आप सबसे पहले आप जो क्वेश्चन कीजिए उसको डिटेल में लिखा कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंत्योदय राशन कार्ड के तहत सरकार ने एक फिक्स कर रखा राशन, अगर उससे 1 किलो भी राशन आपको कम दे रहा है कोटेदार, या कम दे रहे हैं आपके जो भी PDS वाले हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाले लोग हैं, तो आप सीधी शिकायत आप मुख्यमंत्री कार्यालय में कर सकते हैं या फिर अपने जनपद पर ब्लॉक स्तर में कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्रवीण कुमार जी का कमेंट। प्रवीण कुमार जी कह रहे हैं कि राशन कार्ड में नाम किस तरह जुड़वा है। दोस्त आपका भी कमेंट थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राशन कार्ड में अगर आपको नाम जुड़वाना है उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। उम्मीद करूँगा दोस्तों वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे। तो राशन कार्ड के बारे में बिल्कुल डिटेल में, अंत्योदय राशन कार्ड क्या होता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है, इन सभी तीनों चीज़ों पर मैं डिटेल में एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आप सबके कमेंट आप लोगों को पता चल गए होंगे। तो दोस्तों एक और निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एक चैनल के बारे में दोस्तों मैं आगे बता रहा हूं, उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो मेरे एक सदस्य का, परिवार के सदस्य का चैनल है। धन्यवाद दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, अगर इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। एक और निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों, मेरे परिवार के सदस्य के द्वारा प्रध्या की रसोई, जी हाँ दोस्तों एक प्रध्या की रसोई कुकिंग चैनल शुरू किया गया है, जिसके तहत वो अपनी जानकारियाँ देती हैं किस तरीके से आपको बनानी चाहिए खाना, उस व्यंजन की रेसिपी क्या है, जैसे शाही पनीर है, शाही टोस्ट है,
स्पेशल स्वीट्स है, अभी कल ही वीडियो पड़ी स्पेशल स्वीट्स की, तो ये सब वीडियो आप लोग जाके प्रद्धा की रसोई चैनल पर देख सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों वो चैनल आप लोग को अच्छा रहेगा। जिस तरीके से आप मेरे इस चैनल को प्यार दिए, अपना सपोर्ट दिए, उसी तरीके से आप प्रद्धा की रसोई को भी सपोर्ट दीजिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी चैनल का लिंक दे दूंगा। दोस्तों आप लोग से खास निवेदन है, आप लोग जाके उस चैनल को जरूर देखिए, उस चैनल को लाइक कीजिए। और दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।